हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एक्वेरियस साइन, यानी कि कुंभ राशि के लिए, और देखेंगे कि आने वाला ये हफ्ता कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। इट्स अ जनरल रीडिंग, मे और मे नॉट रेजोनेट टू एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिए, और प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें फॉर वीकली रीडिंग्स। फॉर पर्सनल रीडिंग्स डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, आप आ जाके चेकआउट कर सकते हैं। एक्वेरियस पीपल, मे बी हो सकता है यू आर फीलिंग अलोन, और मे बी यू आर फोकस्ड ऑन योर मनी राइट नाउ। हो सकता है कि आप फोकस्ड हैं किसी चीज़ को लेके, और मे बी हो सकता है समथिंग इज़ लाइक गोइंग स्लो। मे बी हो सकता है कि कोई यहाँ पे मनी माइंडेड है, या मे बी समबडी इज़ लाइक, किसी ने अपने आप को मनी या उसमें फोकस कर लिया है। मे बी यू आर डीलिंग विद एन अर्थ साइन, राइट? मे बी यू आर डीलिंग विद, हो सकता है कि फायर साइन, और एक ज़्यादा पॉसिबिलिटी है अर्थ, या सो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, समथिंग्स आर लाइक गोइंग स्लो। मे बी हो सकता है कि यू आर गोइंग थ्रू लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशन फेज इन योर रिलेशनशिप, कुछ चल रहा है। मे बी आप लोगों के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट है फॉर लाइक थर्ड पार्टी को लेके, मे बी योर पर्सन इज इन्वॉल्व इन थर्ड पार्टी, कुछ है, समथिंग इज लाइक हिडन, राइट? कुछ कोई किसी से कुछ छुपा रहा है, मे बी दे आर हैविंग ऑप्शंस, मे बी, बट द थिंग इज लाइक यस, मे बी दे लेफ्ट, मे बी दे लेफ्ट दिस रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ समबडी एल्स, कोई था जिसकी वजह से लाइक योर पर्सन लेफ्ट द सिचुएशन। नाउ समबडी कोई है जो यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहा है वापस इस रिलेशनशिप को, राइट? मे बी हो सकता है कि आप में से दोनों में से कोई है जो इस रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहता है, बिल्ड करना चाहता है दोबारा से, एंड यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन बैक, राइट? मे बी यू है, मे बी हो सकता है यू आर लाइक, कोई भी है, लाइक कोई चाहता है इस रिलेशनशिप को दोबारा से मैनिफेस्ट करना और ग्रो करना, राइट? सो हो सकता है कि समबडी स्टिल रिजिस्टिंग द चेंज। सो मे बी हो सकता है आपके पर्सन, जैसा कि मैंने कहा, फॉर फ्यू ऑफ यू हो सकता है दे आर इन्वॉल्व इन थर्ड पार्टी। नाउ थर्ड पार्टी से मेरा मतलब ये नहीं है कि दैट दे हैव समबडी एल्स इन देयर लाइफ। मे बी हो सकता है कि कुछ भी हो, मे बी हो सकता है काम की वजह से, मे बी हो सकता है मनी इश्यूज की वजह से, मे बी हो सकता है कुछ और इश्यूज हों, राइट? सो लेट्स पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस फॉर द एक्वेरियस पीपल। क्या गाइडेंस है? अगेन somebody is feeling like stuck, somebody is feeling like somebody, मेरे को देखो कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहा है। मे बी हो सकता है कि आपके पर्सन लाइक व्हेन योर पर्सन लेफ्ट, तो somebody is trying to be like focusing on their money, their finances, right? Yes, rebirth. इट्स लाइक अबाउट क्रिएटिंग योर सेल्फ, इट्स अबाउट, हो सकता है कि आप उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं, राइट? हो सकता है कि टेन ऑफ सोर्ड्स, उस बिट्रेयल एनर्जी में से आप बाहर निकलना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू लाइक कम आउट ऑफ दैट जोन एंड ट्राइंग टू क्रिएट बैलेंस, और दोनों चीज़ों का लाइक बैलेंस बहुत ज़रूरी है इन दिस रिलेशनशिप। मे बी हो सकता है कि आप somebody was chasing, मे बी हो सकता है कि आप अपने काम को छोड़ के इस पर्सन पे ध्यान दे रहे थे, या वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है। सो आपको यही कहा गया है, अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने आप पे ध्यान कीजिए, एवरीथिंग इज़ लाइक अगेन, सब कुछ सेटअप हो सकता है अगर आप अपने आप को बैलेंस करना सीखे, अपनी लाइफ में डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखिए। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को चेज कर रहे हैं, या फॉलो कर रहे थे, या मे बी दिस पर्सन वॉज इन अ थर्ड पार्टी। सो आपको यही राय दी गई है कि आपको अपने आप को, आपके सारे एस्पेक्ट लाइफ के देखने की ज़रूरत है, चाहे काम है, चाहे वो लव है, इक्वली बैलेंस करने की जरूरत है, राइट?
चलिए बात करते हैं फॉर ऑल द क्वेरियस पीपल आपके करियर की, ये करियर वाइज क्या पॉसिबिलिटीज है फॉर ऑल द क्वेरियस पीपल। मे भी हो सकता है कि यू आर वेटिंग फॉर, और यू आर लाइक मे भी हो सकता है आप किसी चीज़ को लेके कुछ होल्ड ऑन कर रहे हैं, मे बी यू आर हैविंग ऑफर एक्वेरियस पीपल राइट, बट आप यू आर टेकिंग रेस्ट, और मे बी यू आर लाइक प्रीवियसली जो भी आपके साथ हुआ करियर में, या मे बी यू हैव वेंट थ्रू अ बैड पीरियड, तो आप उसमें से रिकवर करना चाह रहे हैं, यू आर नॉट टेकिंग एनीथिंग लाइक, और कुछ ऐसा हो सकता है मे बी फॉर फ्यू ऑफ यू लाइक यू आर हैविंग ऑप्शन इन वर्क। लेट्स फाइंड आउट मोर। यस आप यू आर मे बी हो सकता है ना डिफेंसिव मोड, मे बी हो सकता है कि यूवर पास्ट में आप हो सकता है किसी चीज़ को लेके हर्ट है और बहुत ज़्यादा टायर्ड है, और बहुत ज़्यादा लेकिन स्टिल आप लाइक रिकवरी जोन में हैं, आप फाइट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। मे बी हो सकता है यू आर हैविंग लाइक मैंने जैसे कहा ना कि यू आर लाइक होल्डिंग समथिंग, कुछ होल्ड कर रहे हैं, यू आर टेकिंग टाइम, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज सून, डोंट वरी। यस मून कार्ड इट्स लाइक बीइंग साइलेंट फॉर अ वाइल, मे बी हो सकता है यू आर टेकिंग टाइम फॉर एक्वेरियस पीपल, यू आर टेकिंग टाइम किसी चीज को लेके, हो सकता है यू आर गोइंग थ्रू अ रिकवरी पीरियड। सो यस मे बी हो सकता है कि पास्ट में कुछ हुआ हो, एक्सक्यूज मी, ओके सो मे बी हो सकता है कुछ नुकसान हुआ हो, मे बी देर वर मनी इश्यूज, मे बी हो सकता है कि कहीं कुछ पैसे ज़्यादा लग गए हों। सो यू किसी चीज़ को लेके यू आर टेकिंग टाइम, यू आर रिकवरिंग, और उसके बाद जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा और यू आर लाइक साइलेंट राइट, और यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ, देन यू विल बी लाइक एन एम्परर, आप दोबारा निकल के आएंगे। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल फ्रॉम आवर एंजल्स, फॉर ऑल एक्वेरियस पीपल क्या गाइडेंस है फॉर एक्वेरियस पीपल फॉर देयर करियर एंड फाइनेंस, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। डोंट टेक स्ट्रेस राइट, आपको यही गाइडेंस दी जा रही है दैट डोंट टेक स्ट्रेस। आपको वो जैसे कहते हैं ना कि आप देखिए कि एक वो मंकी है और वो उसे नचा रहा है, इट्स लाइक सेवन ऑफ वॉन्ड्स, आपको किसी लाइक वो एक क्लिफ है उस पर से पुश किया गया है, सो उसको उस चीज़ को लाइक अपने अपने आप पे भरोसा रखिए राइट, कि वेदर लाइक इट्स फॉर माई गुड, इट्स फॉर माई लाइक जैसे कहते हैं ना हाइएस्ट गुड, कि अगर मेरे साथ ये कुछ चल रहा है तो इट्स फॉर माई लाइक इसमें कोई मेरा भला है, तो ये सोचेंगे तो आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा। डोंट टेक स्ट्रेस, डोंट अपने अंदर बिल्डअप मत कीजिए, रिलीज कीजिए राइट। देन वी हैव करेज, करेज इट्स ऑल अबाउट कि आप सी कुछ भी होता है किसी भी चीज़ को देखिए, ग्रो होने में टाइम लगता है राइट, बट स्टिल पॉसिबिलिटीज बहुत है, बहुत ज़्यादा है, सो यू नीड टू बिल्ड अप द करेज राइट, थिंग्स विल फाइनली ग्रो। और देन वी हैव कॉन्शियसनेस, बिलीव दैट एवरीथिंग इज इनसाइड यू, यूनिवर्स इज इनसाइड यू, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, बार बार यही मैसेज आ रहा है दैट यू नीड टू काम डाउन, किसी चीज़ को लेके मे बी हो सकता है ओवर स्ट्रेस हो रहे हैं, नो ऐसा नहीं है कि इट्स लाइक कि अब टाइम निकल जाएगा, ये है वो है, डोंट टेक स्ट्रेस, डोंट पैनिक, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, अपना ध्यान रखिए, इट्स नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर हेल्थ। सो मे बी हो सकता है कि ये कुछ के लिए मैसेज हो कि अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए, ऐसा ना हो कि काम के पीछे पीछे आपकी हेल्थ भी लाइक सफर करे राइट, सो अपना ख्याल रखिए। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल, अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिए, थैंक यू सो मच।